गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स यू नो वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट यू नो कि इन डेमोक्रेसी देर इज़ अर मैनी इश्यूज ऑफ फॉर इक्वलिटी सो एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ एंड द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस एनी सिटीजन गो ग्राउंड ऑनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम बिकॉज ऑफ यू नो की ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर इक्वल बेसिस ऑफ दिस वन रेस कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ नो सीडन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ दैम टू बी ऑब्जेक्ट टू एनी डिसबलिटी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एंड कोई भी जितने भी सिटीजन हैं उनको सिर्फ रिलीजन और उनके रेस उनके कास्ट उनके सेक्स और उनके बर्थ के अकॉर्डिंग जो हैं उनके आधार पर लाइक यू नो एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट होटल्स में जाने से नो वन कुड uh, उनको स्टॉप हिम एंड बाय द यूज़ ऑफ वेल्स टैंक्स बाथिंग हार्ड्स बिकॉज ऑफ यू नो की इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट इश्यूज सो यू नो की कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को क्या है इक्वल राइट्स हैं और इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ सोसाइटी यू नोफ़ की किसी को सिर्फ कास्ट उसके जेंडर uh, उसके रिलीजन और उसके रेस के अकॉर्डिंग अगर हम उसको ट्रीट करें तो इट इज़ नॉट गुड ठीक है सो लास्ट दिस इज बट नॉट लीज खत्म नहीं हो जाता है और यू नो ऑफ की चैलेंजस ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीज में बहुत सारे चैलेंजेज यू कैन सी इन यूर इन यूर डेली लाइफ देखो मैंने पहले से भी बोला है कि यू हैव टू कनेक्टेड द ऑल ऑफ़ द टॉपिक्स टू यू आर डेली लाइफ जब तक कनेक्टेड नहीं करोगे तब तक का आपको जो है समझ में नहीं आएगा चैलेंजेज हैं डेमोक्रेसी में अभी भी डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर फुलफिल थिंग फॉर यू नो गन करने की एक फुलफिल थिंग नहीं है सो नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकोगशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज देर आर मैनी इशूज टू फॉर इक्वलिटी देखो आप डेली कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखते हो कि हमें यहाँ पर इक्वलिटी नहीं मिली कहीं पर रिवोल्यूशन होते हैं कहीं पर आंदोलन होते हैं कहीं पर मूवमेंट होते हैं

देर आर मैनी प्रॉब्लम्स एंड मनी चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी वो धीरे धीरे करके क्या होती हैं चेंजेस होती हैं देखो नाइनटीन फोटी सेवन में दे आर समॉर एजुकेशन से रिलेटेड हम क्या हम दे रिलेटेड देखो रूल देखो और अब नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी में बहुत सारे रूल्स के हैं देर विल बी चेंजेस इन दूम दोटवीन नाइनटीन फोटी सेवन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी सो यू कैन सी दैट यहाँ पर बहुत सारे चेंजेज आए हुए हैं सो इट इज़ अ चैलेंज भी हैं चेंजेस भी होंगे जितने चैलेंजेस होंगे उतने चेंजेस भी डेमोक्रेसी में होंगे एंड डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे फॉर गवर्नर कंट्री ठीक है किसी भी कंट्री में गवर्न करने के लिए क्या है कि एक चैलेंजेस जो हैं वो डेमोक्रेसी में हैं तो ये इट इज ये अच्छी बात भी है ठीक है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेट ग्लोसरी जो है आपको करनी है आई विल सेंड द skin shots for you to so universal adult franchise as i told you the important aspect of democratic society it means uh, that all uh, adults those who are 18 and above they have the right that uh, go, right to vote irrespective of their social or economic background so there is no uh, way for uh, to uh, stop him to uh, respect to of their social and economic backgrounds. Uh, they have to write and uh, dignity. This refers to thinking of oneself and other person as worthy of respect. As I told you, uh, constitution. This is a document that there are many laws on basis of rule and regulations for people and go the government in the country to follow. Civil right movement. You know, in the USA in 1950, a movement that began uh, in USA. इन विच अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडिड इक्वल राइट्स एंड एट एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सो यू नो एज आई टोल यू की एटीन सेवेंटी सिक्स में अमेरिका uh, को जो है देखो उन्हें इंडिपेंडेंट हो गई थी अमेरिका ठीक है यू जो है वो इंडिपेंडेंस हो गई थी 1876 में बट देआर मैनी चेंजेज़ इन 1950 में देखो यहाँ पर 1950 में अभी भी अभी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ क्या था अनिक्वलिटी हो गई थी ठीक है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो so, अब 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 नाइनटीन में मूवमेंट हुआ और अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने डिमांड की फॉर इक्वल राइट्स ऑफ एनिय रेसियल डिस्क्रिमिनेशन सो यू नो ह्यूज आ टाइप ऑफ चैलेंजेस इन द डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा है ठीक है सो यू हैव टू कनेक्टेड टू योर डेली लाइफ की किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं व्हेन यू सी द न्यूज़पेपर व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर ओके हैव अ गुड डे